नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शख्सियत। शख्सियत की इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे अमलतास ग्रुप के चेयरमैन सरवर हुसैन साहब से। सरवर हुसैन जी, आपका बहुत स्वागत हमारे स्टूडियोज में, और हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो है गुफ्तगू का आगाज हो वो आपकी जर्नी से हो। जैसे कि हमारी मालूमात है कि साल 1989 से आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं, और तमाम जो है आपकी यात्रा है बड़ी बेहतर रही। तो पहले हम चाहेंगे कि अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं। थैंक यू। पहले तो आपका शुक्रिया, मुझे आप ऐसा मौका दे रहे हैं पब्लिक से भी बड़े होने का। मेरी जर्नी बड़ी इंसिडेंटल रही। मैं रियल एस्टेट में कभी नहीं आना चाहता था जी, और ना ही कंस्ट्रक्शन में। मैं व्हाइट कॉलर जॉब पसंद करता, तो मैं था भी 89 से पहले ऑटोनॉमस बॉडी थी, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन, उसमें बहुत सीनियर पोस्ट पर था, असेंबली जनरल मैनेजर था इंस्टीट्यूशन का। तो उस समय मैं निकलता था, कभी टूर्स पर जाता था, तो चलते चलते देखता था एक बार क्या हुआ। मैं अहमदाबाद से बड़ौदा जा रहा था, कार में देखा कि ये बिल्डिंग जो है, देखता रहता था, शौक था ये कैसी बनी है। और वो बाद में मुझे पता चला था आर्किटेक्चर में अहमदाबाद बहुत आगे है जी, तो वहां की बिल्डिंग मुझे इसलिए अच्छी लगती थी, और उसमें कुछ डिफरेंस दिखे मुझे। मैंने कहा ये यदि मैं बनाता तो ये कैसा लगता। तो वो कुछ भगवान का कुछ ऐसा करना हुआ जी कि मैं उसी बिजनेस में आया, जी और बिजनेस में भी ऐसा आया कि मेरे हालांकि जनरेशन से मैं थर्ड जनरेशन हूँ कंस्ट्रक्शन की जी। मेरे ग्रैंडफादर 1900 में आए थे यूपी से भोपाल, जमींदार थे, एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति थे जी। तो प्रोग्रेस के लिए आए यहाँ पर। 1906 से उन्होंने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रेक्टरशिप बिल्डरशिप शुरू करी जी, और काफी नवाब भोपाल के टाइम में सरकारी बिल्डिंग बनाई, टेक्सटाइल मिल का कंस्ट्रक्शन करवा। उससे मुझे बिल्कुल लगाव नहीं था, वो काम ही पसंद नहीं था, मगर कुछ वो जो इंसिडेंस है कि शायद मैं इससे अच्छा कर सकता हूँ जी, तो बस फिर सिलसिला शुरू हुआ। वो हुआ सिलसिला, सिलसिला ऐसे नहीं शुरू हुआ, बल्कि सिलसिला शुरू हुआ जॉब में। सब दोस्त थे जब सर पे बैठते थे चाय पीते, वो भी कर करते भोपाल में वाला आया, उसने ये काम कर डाला, इसने ये काम कर डाला। तो मैंने कहा अपन ने क्या करा, अपन तो नौकरी कर रहे हैं सरकारी जी। तो बस उस दिन से फिर हम सब दो लोगों ने सोचा कि हम उस टाइम कुछ कॉलोनाइजिंग का मनाया, फादर कोला रोड पे काफी कॉन्ट्रेक्टरशिप करे, तो उनके साथ में हेल्प ली जी, और जमीन में ढूंढना शुरू कर। बस वहां से सफर 89 से शुरू हुआ है जी। तो अभी तक भगवान आशीर्वाद है। एक मैं बात जानना चाहूंगा कि एक दौर आया था सरवर साहब, वो आपने और हमने भी देखा कि बहुत ही नाम है आपका तो अमलतास ग्रुप का, लेकिन बहुत छोटे छोटे भी जो लोग हैं वो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाए, बड़े कामयाब भी रहे वो। लेकिन फिर जो ये मंदी का दौर आया तो बहुत कुछ जो है इस मंदी के दौर में खास तौर से रियल एस्टेट के बिजनेस को बहुत प्रभावित किया, और इसका बड़ा बुरा असर भी रहा। आप भी दोचित होंगे उन परेशानियों से, दुश्वारियों से, जाहिर सी बात है। लेकिन 89 से आज 2021 चल रहा है, अमलतास ग्रुप वहीं खड़ा है, तो वो क्या ऐसी वजहें हैं या वो क्या ऐसा कमिटमेंट एक जो है समाज के लिए आपका है जिसकी वजह से आपका ग्रुप जो है सस्टेन कर पा रहा है और बेहतर ढंग से इन हालातों में भी आप जो है काम कर पा रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए। एक तरह से ये बताऊंगा, आपने कहा छोटे छोटे आदमी आए थे, हर छोटे आदमी को अच्छा काम करके बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। छोटे 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 बिल्डर आए थे लेकिन उन्होंने अच्छा काम नहीं किया जी। फिर रोडा आया, उसने जो रूल्स बनाए और वो खत्म हो गए छोटे वाले, जो जी जो रियल सही में कॉलोनाइजर और बिल्डर नहीं थे जी। ये अलग क्वेश्चन होगा। फिर मैं आऊंगा हम क्यों सस्टेन कर गए। देखिए हमारा जो कार्यशैली है जी, हमारी सोच ये है कि हम अगर कोई भी चीज बनाए तो क्वालिटी
अच्छी हो कंस्ट्रक्शन की, जी कंस्ट्रक्शन के क्वालिटी के साथ साथ जो कमिटमेंट करें वो पूरा करें, जी टाइम पर डिलीवरी दें, टाइटल क्लियर हो, और सबसे बड़ी चीज ये कंस्ट्रक्शन में जो प्लानिंग पार्ट से ही मैं इन्वॉल्व होता हूँ, मैं एक बायर की तरह काम करता हूँ। जैसे इस फ्लैट को या इस मकान को खरीदूंगा और खरीद के अगर इस ड्राइंग रूम में इंटीरियर करूंगा तो कहाँ से एंट्री करूंगा, कहाँ लाइट आना चाहिए, कितनी वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइट वेंटिलेशन का बहुत ख्याल करता हूँ जी। शुरू से जब अन्य पार्ट से जोड़ता हूँ तो अंत तक टीम कितनी अच्छी हो, बहुत अच्छी टीम हो, लेकिन पर्सनल इन्वॉल्वमेंट क्वालिटी पर रखता हूँ। और दूसरी चीज सबसे बड़ी है जो कमिट करता हूँ, यदि मैं 100 पैसे देना चाहता हूँ तो कई जगह एक से एक कर देता हूँ, जो ब्राउशर पे प्रिंट करता हूँ कुछ प्रोजेक्ट में उससे ज्यादा अच्छी दी है मैंने जी, जी। तो बायर है पब्लिक है वो सब जानते हैं बिल्कुल, तो वो बगैर पब्लिसिटी के हम कभी पेपर एक तो अभी 2 साल से हमारे नए जनरेशन बेटे आए हमारे सीवीएम मिस्टर विशाल आए, इन लोगों ने देना शुरू करे, अदरवाइज अब्दुल्ला और विशाल ने भी नहीं तो पहले हमारे माउथ पब्लिसिटी थे हमारे पास का काम बोलता है जी। बस ये कि अच्छी नियत से करते हैं, 100 रुपये ले रहे हैं तो 100 से कम का काम नहीं देंगे। चलो साहब अभी आपने रेरा का जिक्र किया तो मैं चाहूंगा कि रेरा के क्या नफे हैं क्या नुकसान है इन पर भी थोड़ी सी रोशनी डालें। मैं आप बहुत अच्छा क्वेश्चन करा और बल्कि सब चीजें तो रिपीट होती रहती है, इस टाइम आपने जो बात करी है रेरा बहुत अच्छा चीज लेके आया। जब रेरा आया था लोग घबरा गए, बिल्डर्स घबरा गए कि रेरा आ गया है जी, अब हमारा क्या होगा। हमने कहा हम तो बहुत खुश हैं, हमसे भी कुछ लोगों ने पूछा, कुछ इंटरव्यूज हुए, आपको रेरा क्या था। हमने कहा हम रेरा के रूल पहले से ही फॉलो करते थे जी, जो रेरा कहता है कि कस्टमर्स को के राइट सेव करना है जी, और साथ साथ ऐसा नहीं बिल्डर की भी राइट उन्होंने सेव करे। तो वो रेरा के आने के बाद हम बहुत खुश हुए, क्योंकि जिसने ये जो आपने भी एक सवाल किया था कि बहुत सारे बिल्डर्स नए नए आए थे, तो वो नए बिल्डर क्या करते थे, उनके पास ना तो सही परमिशन होती थी, ना सही टाइटल होते थे, सस्ता बनाते थे, कुछ कॉलोनाइजिंग अवैध होती थी, सब पैसा तो उधर चला जाता था। जो असली बिल्डर हम लोग थे जो हर रूल को गवर्नमेंट के फॉलो करते हैं, टैक्स जबरदस्त देते हैं जी, और हर चीज में ट्रांसपेरेंसी करते, उनको बहुत टफ था जी। तो मैं आपको सही बात बताऊंगा कि आने वाले हमारे सेल बढ़ गई थी जी, तो हम बहुत खुश हुए, लेकिन आजकल खुश नहीं है जी। देखिए खुश वो भी बताएं आपको जी, देखिए वो आप रेट पूछिए, मीडिया है तो वो चीज जानना चाहिए, और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी चीज लाई थी हमारी गवर्नमेंट, रेरा से हम बहुत खुश थे, लेकिन अभी करोना आने से जी गवर्नमेंट कंडीशन कभी नहीं खराब होता कि लोगों को नुकसान हो बिल्कुल, या किसी का बिजनेस कम हो जी, क्योंकि वो जानती है गवर्नमेंट के इससे कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, लेकिन वो कुछ डिसबैलेंस हो गया सब, जो 7-8 महीने जो बिल्कुल काम चीजें प्रभावित हुई है उससे, तो जी कोरोना प्रभावित ने इससे नेग्लेक्ट क्यों कर दिया गया, गवर्नमेंट से पूछूंगा मैं, इसे नेग्लेक्ट इसलिए नहीं करना था गवर्नमेंट को कि अगर आप रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं हो जी, तो मेरे पास मैंने अगर एक जमीन ले ली है जी, एक जमीन लेके प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ, कई जगह गवर्नमेंट को मैं उसमें तो विकास अनुमति में 96 लाख रुपए जमा कर रहा हूँ, कितना सारा पैसा दिया मैंने गवर्नमेंट, कितने की जमीन है अभी और कितना उस पर अदर परमिशन के खर्चे, और प्रोजेक्ट को मैं लॉन्च नहीं कर सकता हूँ क्योंकि रेरा में रजिस्ट्रेशन करने की सीट खाली है जी। 7-8-9 महीने 2020 से अभी तक 500 केसेस पड़े, 500 केसेस तो सोचिए कितने प्रोजेक्ट बैठ गए, क्योंकि उन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग कितने हो गए, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा। तो मेरी तो गवर्नमेंट से गुजारिश है, दे रहा है दुरुस्त आए, अभी बहुत अच्छे लोगों को बैठा लगा है गवर्नमेंट ने, जिन लोगों करा है मेरे भी काफी केसेस उलझे हुए हैं, बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है, और मेरे भी सबको इक्वल कर रहे हैं, मगर थोड़ा और तेज करें उसमें मैं जो बात है सरकार साहब, आपने जब ये बात रखी है निश्चित तौर पर सरकार तक ये बात पहुंचेगी, और जैसा आपने कहा कि देखिए सरकार बेहतर कर रही है
इस दिशा में भी इस दिशा में थोड़ी और बेहतरी चाहिए जी। तो बहुत सारे लोगों की रोटी रोजी का बिल्कुल बहुत बड़ा फंड जी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो हम लोग देते ही ना, जितने आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, सर एक सवाल ये था कि हर एक बशर का जो है वो ये ख्वाब होता है कि उसका एक सपनों का घर हो, वो चाहे छोटा हो बड़ा हो, हर सबके अपने अपने सपने होते हैं। तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जो अपना मकान बनाना चाहते हैं, पूंजी कम है या जिंदगी भर की कमाई वो मकान बनाने में ही खर्च कर करने की मतलब है कि हिम्मत जुटाते हैं, ऐसे निवेशकों को जिनको जिनने अपने घर के सपने पाल के रखे हुए हैं, उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे? और उनसे क्योंकि कई बार देखने में ये भी आया सरवर साहब कि वो डरे हुए हैं कि क्यों हम कैसे घर खरीद लें, कैसे विश्वास कर लें, उनका विश्वास बरकरार रहे और उनको ऐसा लगे कि उन्होंने जो जीवन भर की कमाई एक मकान खरीदने में, एक फ्लैट खरीदने में, अपना निशाना बनाने में लगाई है, तो वो उसका उनको कम से कम एक मुतमईन रहे कि उन्हें जो है जो पैसा लगाया है वो कहीं व्यर्थ नहीं गया। तो वो हम चाहेंगे कि आप अपने निवेशक जो हैं जो सपना संजो के बैठे हैं अपने घर का, उनके लिए उनको ये संदेश दीजिए। देखिए हमेशा किसी भी बिल्डर से जब मकान खरीदें जी, पहले तो उनका पास्ट जरूर देखें कि वो हमें ये टाइमली देते हुए आ रहे हैं कि नहीं जी, वो अपने कमिटमेंट पूरे करते हैं कि नहीं। अगर किसी बिल्डर का पास्ट अच्छा है तो 99% तो वो आपको कमिटमेंट पूरा करेगा। परमिशन वगैरह देखनी चाहिए, अच्छा बिल्डर जो होगा जो पूरी परमिशन लेके करता है वो डेफिनेटली काम पूरा करेगा। विश्वास अभी ऐसा नहीं जो आप कह रहे हैं, डरा नहीं है जी, अभी बायर बहुत खरीद रहे हैं, बहुत अच्छी सेल है। देखिए बायर कोरोना की वजह से आए नहीं थे और हमारे भोपाल में एंड यूजर हैं जी, इन्वेस्टर खत्म हो गए जो आप कह रहे हैं जी, वो इन्वेस्टर खत्म जब से डिमोनेटाइजेशन जी, जो रियल एस्टेट था पहले बढ़ा हुआ वो एक इंडिया में थी पैरेलल इकोनॉमी जी, वो पैरेलल इकोनॉमी जो बंद हुई जी एकदम बंद हुई जी, तो उसका असर हुआ ये रियल एस्टेट, वो धीरे धीरे बंद होना थी जी। वो ऐसा हुआ कि जैसे आपने एक बहुत तेज चलती हुई गाड़ी में ब्रेक मार दिया जी, तो आप जाके टकरा गए सामने, खुद ही को नुकसान पहुंचा लिया, तो वो नुकसान तो